फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं खाने का वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैक्रोनी मैंने ये वाली ली है, बॉम्बिनो मैक्रोनी पैप। ये सूजी से बनी होती है। मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैदे की मैक्रोनी अवॉइड करती हूँ। तो मैंने ये डेढ़ पैकेट ले लिया है। ये 170 ग्राम का है। तो मैंने इसको एक कढ़ाई में उबाल लिया है। ये पूरी तरीके से उबल गई है। आपको पता कब चलेगा ये उबल गई? आप ऐसे दबाएंगे और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये अच्छे से उबल गई है। उबलते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और तेल भी डाला है फ्रेंड्स। और ये मुश्किल से 5 मिनट से भी कम में उबल गई है, थोड़ा मीडियम आँच में। और इसके बाद मैंने एक, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी मैक्रोनी बॉईल करने के बाद बंद कर दी है। और मैंने एक लार्ज साइज़ अनियन चॉप कर लिया। मैं इतनी ये बीन्स चॉप करूँगी। और एक मैंने टमाटर ले लिया चॉप करने के लिए। और ये मैंने एक हरी मिर्च चॉप कर ली। मैंने लंबी लंबी चॉप की है, आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी वेजीज आप डालेंगे उतनी वो हेल्दी और टेस्टी लगेगी। तो चलिए मैं अपनी मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लेती हूँ। गाइस, मैंने इसमें 4 चम्मच ऑलिव ऑयल कढ़ाई में डाला है। और मैं 1 छोटा चम्मच राई डाल रही हूँ। राई डालने के बाद मैं इसमें अपना ग्रीन चिली डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च हो गई है और मैं इसमें अपनी प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मुझे सॉटे कर लेना है। फ्रेंड्स, प्याज मेरी सॉटे हो गई है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी गाजर और अपनी बीन्स डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद इसमें नमक डालना है। गाइस, ध्यान रखना, नमक बॉइल्ड मैक्रोनी में भी डाला था तो नमक थोड़ा सा कम ही रखूँगी अब मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आपको इसे ढककर रख देना है। तब तक ये सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। जब ये पक जाएगा तब मैं इसमें चॉप करके टमाटर डाल दूँगी। तब तक अच्छे से ढक के रख देती हूँ। गाइस, मेरी सब्जियाँ पक चुकी हैं। इसके बाद अब मैं अपना चॉप किया टमाटर डाल लेंगी। टमाटर मैं नीचे की तरफ इसलिए रख रही हूँ तो ऊपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि इससे टमाटर जल्दी पक जाता है। और मैं इसको ढक्कन से ढक दे रही हूँ। अब 2 मिनट बाद हमारा टमाटर, गाइस ये टमाटर पक गए हैं। अब मैं इसमें सॉसेज इंक्लूड करना शुरू करती हूँ। ये मैंने 8 to 10 ये वाली चम्मच इक्वल सॉस लिया होगा, टोमेटो सॉस। इसके बाद मैंने ये 3 to 4 चम्मच ये ग्रीन चिली सॉस लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस लिया है। सोया सॉस से कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर लिया हुआ है। और मुझे इस तरीके से इसको थोड़ी हल्की सी मिक्सर से 10-20 सेकेंड पकाना है। गाइस, 10-20 सेकेंड ही मैंने इसको पकाया, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो अब इसके बाद मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ। मैक्रोनी मेरी बॉइल्ड है। बॉइल करने के बाद मैंने इस छन्नी में इसको स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप मेरी सारी मैक्रोनी अलग अलग हैं। गाइस, ये देखिए 2 से 3 मिनट हुआ है मुझे मैक्रोनी डाले हुए और इतनी अच्छी से पक गई है, सॉस के साथ मिक्स हो गई। अब मैं गार्निशिंग के लिए इसमें धनिया डाल दूँगी। धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो अभी गाइस हमारी बन के तैयार हो गई है मैक्रोनी, टेस्टी टेस्टी। खाइए, बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।